स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। किस एयरलाइन के वरिष्ठ चालक दल के सदस्य 7 और 8 मई 2024 को अचानक सामूहिक बीमारी की छुट्टी पर चले गए, जिससे 100 से अधिक उड़ानें बाधित हो गईं? ए एयर इंडिया एक्सप्रेस, बी अमीरात, सी विस्तारा, डी इंडिगो। आंसर ए एयर इंडिया एक्सप्रेस। एक्सप्लेनेशन: टाटा समूह के स्वामित्व वाली कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस के केबिन क्रू ने कथित कुप्रबंधन के विरोध में बुधवार को सामूहिक छुट्टी ले ली। 200 से ज्यादा कर्मचारियों के एक साथ छुट्टी लेने से कंपनी की उड़ानों के परिचालन पर गंभीर असर पड़ा और कंपनी को 100 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। अगला प्रश्न। नैनीताल के निकट जंगल की आग बुझाने के लिए बॉम्बी बकेट ऑपरेशन किस संगठन ने चलाया? ए भारतीय नौसेना, बी भारतीय वायुसेना, सी भारतीय सेना, डी भारतीय तटरक्षक। आंसर बी भारतीय वायुसेना। एक्सप्लेनेशन: उत्तराखंड के नैनीताल के निकट पौड़ी गढ़वाल सेक्टर में 20 अप्रैल 2024 को लगी आग जंगल के 48,738.29 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में फैल गई है। भीषण जंगल की आग के जवाब में भारतीय वायुसेना ने अपने Mi-17V5 हेलीकॉप्टरों द्वारा बॉम्बी बकेट ऑपरेशन चलाकर बहुत जरूरी राहत प्रदान की। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर बॉम्बी बकेट के जरिए टेहरी झील से पानी उठाकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला प्रश्न। मोम से संचालित रॉकेट SR-75 कहाँ लॉन्च किया गया है? ए चीन, बी जर्मनी, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अमेरिका। आंसर सी ऑस्ट्रेलिया। एक्सप्लेनेशन: जर्मन कंपनी हाइम्पल्स ने ऑस्ट्रेलिया में मोम से संचालित रॉकेट SR-75 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। पैराफिन और तरल ऑक्सीजन से चलने वाला SR-75 250 किलोग्राम के उपग्रह को 250 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जा सकता है, जो एक सस्ती उपग्रह प्रक्षेपण पद्धति को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न। कौन सी कंपनी अगस्त 2024 से पूरे भारत में स्वदेशी 4G सेवाएं लॉन्च करने के लिए तैयार है? ए वोडाफोन आइडिया, बी जियो, सी एयरटेल, डी BSNL। आंसर डी BSNL। एक्सप्लेनेशन: सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी BSNL इस साल अगस्त से पूरी तरह से स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित 4G सेवाएं देश भर में शुरू कर देगी। BSNL के अधिकारियों ने 4G नेटवर्क पर 40-45 मेगाबिट प्रति सेकंड MBPS की अधिकतम गति दर्ज करने का दावा किया है। अगला प्रश्न। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए अभिषेक कपूर, बी अजय कुमार सिन्हा, सी संजीव नौटियाल, डी अभिनव सैनी। आंसर सी संजीव नौटियाल। एक्सप्लेनेशन: RBI ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में संजीव नौटियाल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वह वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम के स्वतंत्र निदेशक हैं और विभिन्न संगठनों में सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं।